पेडिग्री दे रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, जिसमें डिजीज दे रखी है फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर दे रखी है, थर्ड के अंदर जनरेशन के अंदर डिजीज दे रखी है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, एक्स लिंक रिसेसिव हो सकती है, एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये पांच ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट फर्स्ट ले लिया आपने, तो एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होगा, डोमिनेंट होंगे दोनों डिजीज वाले, तो एक डी कहाँ से आएगा, मदर से आएगा, तो मदर के अंदर तो कोई डिजीज नहीं है, तो डिजीज नहीं तो इसका मतलब ये एक्स लिंक डोमिनेंट तो हो ही नहीं सकती। एक अलील कहाँ से आएगा, मदर से आएगा, तो मदर के अंदर तो डिजीज है ही नहीं, तो इसलिए पेरेंट्स के अंदर कौन से के अंदर डिजीज नहीं, तो इसलिए कैंसिल होगी ये, ठीक है। तो एक्स लिंक डोमिनेंट तो कैंसिल होगी, ठीक है। अब हम ले लें एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव ले लिया हमने, वही केस आ जाएगा फर्स्ट साइंस सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो रिसेसिव दोनों स्मॉल स्मॉल डी होंगे, अलील होंगे दोनों के अंदर, तो सी डी स्मॉल डी कहाँ से आएगा, एक फादर से आएगा, डॉटर का कहाँ से आएगा, फादर से आएगा, बट फादर के अंदर कोई डिजीज है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। एक्स लिंक रिसेसिव भी कैंसिल होगी, ये एक्स लिंक रिसेसिव भी कैंसिल होगी, ठीक है। अब हम ले लें ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ले ली हम, ऑटोसोमल डोमिनेंट लेने के बाद तो डोमिनेंट कैपिटल होगा डिजीज वाला, तो एक अलील कैपिटल होगा, तो इसका मतलब क्या, फादर से आएगा एक अलील या मदर से आएगा, तो मदर के अंदर और फादर के अंदर तो पेरेंट्स के अंदर तो कोई डिजीज नहीं है, तो ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी कैंसिल होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी कैंसिल होगी। इब ऑटोसोमल रिसेसिव रहेगी, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या लें, ये रही ऑटोसोमल रिसेसिव ले ली हमने, तो इसमें क्या होगा, दोनों रिसेसिव में स्मॉल स्मॉल आएंगे, तो स्मॉल क्या होगा, तो एक अलील यहाँ से आएगा और एक अलील फादर से आएगा, तो ये फुलफिल होगी। एक अलील यहाँ आएगा डॉटर के अंदर मदर से, और एक अलील फादर से आएगा, तो ये भी फुलफिल होगी, ठीक है। ये दोनों क्या है, नॉर्मल ए कैपिटल कैपिटल अलील हो सकता है, तो यह नॉर्मल हो गए, तो यहाँ से एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से अलील आ जाएगा, एक यहाँ से अलील आ जाएगा, एक यहाँ से अलील आ जाएगा, अरे एक यहाँ से अलील आ जाएगा, एक यहाँ से, ठीक है। अब देखो रिसेसिव है ये स्मॉल होगी, तो एक अलील यहाँ से आ जाए, एक कैपिटल यहाँ से आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव फॉलो हो रही है, ठीक है। अब यदि ऑप्शन के अंदर ये नहीं दिया होता इसके अंदर, ठीक है, ऑप्शन के अंदर क्या नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन नहीं दिया होता, तो ये इसका ऑप्शन यही आ जाता ऑटोसोमल रिसेसिव, बट अब दे रखा है ऑटोसोमल डोमिनेंट विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो अब एक ग्रीक साइंटिस्ट ने एक फैमिली देखी थी, ठीक है, उसके अंदर एक डिजीज मिली थी, ठीक है, तो कौन सी डिजीज मिली थी, अब देखते हैं, तो उसके अंदर ये डिजीज मिली, ठीक है, तो कौन सी डिजीज थी, फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, ये डिजीज थी, ठीक है। तो उसने पाया इसके अंदर, इस डिजीज इस जनरेशन के अंदर जनरेशन स्किप हो रहा है, यानी कि देखो यहाँ से डिजीज है, ये है, इससे नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि इनमें तो डिजीज नहीं है ना, तो इसमें तो इसलिए क्या है, जनरेशन स्किप हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो इसमें इसमें ऊपर है, इसमें से इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये इनमें क्या है, जनरेशन स्किप हो रहा है, यानी सेकंड जनरेशन में क्या है, जनरेशन स्किप हो रही है। तो अब क्या है, ये डायरेक्टली जनरेशन स्किप होता है, तो इसका मतलब क्या, डायरेक्टली क्या, डोमिनेंट होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, बट ये डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, तो डोमिनेंट नहीं है, तो क्या है, वैसे है डोमिनेंट, ठीक है, तो ए कैपिटल होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो रिसेसिव के अंदर डिजीज वाले तो हमने रिसेसिव के अंदर समाल ले लिया था, अब ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, फॉलो कर रही है, क्योंकि ये डिजीज है हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, तो इसके कारण डोमिनेंट है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसलिए कैपिटल होगा, तो कैपिटल ए होगा, तो कैपिटल ए का लील कहाँ जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, सेकंड में जाएगा, और सेकंड से फिर नेक्स्ट में जाएगा, ठीक है, तो ये और एक ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जो सेकंड जनरेशन में मदर थी, ठीक है, इसमें डिजीज है बट दिखाई नहीं दे रही, फिनोटिपिकली नॉर्मल है बट डिजीज है इसमें, बट दिखाई नहीं दे रही, तो दिखाई क्यों नहीं, आपने देखा होगा कि कोई जो हेल्दी पर्सन है, अपनी केयर करता है हेल्दी पर्सन, ठीक है,
हेल्थ की केयर अच्छी करता है और उसमें डिजीज है बट उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसलिए इसमें वही कंडीशन है, यानी डिजीज तो है बट अपनी केयर कार करके ये क्या है अच्छी हेल्थ रख रहा है, तो इसलिए इसकी ट्रांसफर होगी नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो ग्रीफ ने एक यूनिक पेडिग्री ये एक्सप्लेन की थी। अब इसका नाम दे दिया उसने, ग्रिफ्ट ने ऑटोसोमल क्या दे दिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट विथ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये दे दी, तो अब ये ऑप्शन में दे रखा है यदि क्वेश्चन के अंदर, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बट ये ऑटोसोमल डोमिनेंट तो है बट इनडायरेक्टली है, ठीक है। डायरेक्टली होती तो सिर्फ फिर तो ये आता, ठीक है। तो इनडायरेक्टली फॉलो कर रही है, डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। अब इसमें फॉलो कौन सी कर रही है, ये तो कैंसिल भी हो तो वैसे भी कैंसिल हो गया था, ठीक है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव थी और ये दोनों ऑप्शन आ गया, एक ये ऑटोसोमल डोमिनेंट विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। अब मेजोरिटी केसेज में जो यदि ऑप्शन दे रखा है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, तो ये सिलेक्ट करना आपने क्वेश्चन, ये आंसर सिलेक्ट करना है, ना कि ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये माइनर है ये मेजर है, तो मेजर केस को सिलेक्ट करना है, ऑटोसोमल डोमिनेंट विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है।